प्यारे बच्चों, न्यूलाइट नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सबके फोन अक्सर थे, क्लास में भी पूछते हैं कि सर नीट की डेट क्या होगी। तो बच्चों, अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं था जिससे हम लोग बच्चों को नीट की डेट बता पाए। जी सर, आज हम लोग पूरी एनालिसिस करके बच्चों को नीट की डेट भी बताएंगे जी, और ये भी बताएंगे कि अब नीट मई में क्यों नहीं होगा। ठीक सर। और क्लू हमें अंकित सर वहीं से मिला जो आपने वीडियो डाला था, अच्छा सर, और वो क्लू क्या था? सीबीएसई टर्म वन का रिजल्ट के बारे में और टर्म टू के पेपर के डेट के बारे जी में। तो क्या थी नहीं यूजी? सर, ये न्यूज़ ये थी कि टर्म वन का रिजल्ट तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा और टर्म टू के एग्जाम स्टार्ट होंगे 26 अप्रैल से। 26 अप्रैल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 26 अप्रैल से पहले तो पेपर होना नहीं है, और जब ये पेपर चलेगा तो इसमें भी टाइम लगेगा। जी तो जी हम लोग जरा पिछले सालों का देख लेते हैं। जी 2018 में क्या हुआ था अंकित सर? 2018 में सर 5 मार्क्स से एग्जाम स्टार्ट हुए थे सीबीएसई के और 2 अप्रैल तक चले थे। दो अप्रैल तक, जी लेकिन साइंस का पेपर थोड़ा जल्दी खत्म हुआ जी होगा। साइंस का पेपर जल्दी खत्म हुआ था। साइंस का पेपर खत्म हुआ था 27 मार्च को। साइंस का पेपर खत्म हुआ था 27 मार्च को। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को टाइम मिल गया था 27 मार्च से 6 मई तक। कितने जी दिन जी का? लगभग सर ये 40 दिन, 40 दिन का टाइम मिल गया था, 40 डेज। 40 डेज का गैप था। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार को भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जी तो साइंस का पेपर जल्दी करा के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गैप बिल्कुल दे सर, दिया जाए। बिल्कुल और सर ये सब तब था जब सब कुछ नॉर्मल था। जी 2019 में क्या हुआ था अंकित सर? सर, 15 मार्च को एग्जाम खत्म हो गया था साइंस अच्छा, का। साइंस का 15 मार्च को खत्म हो गया था, जी ठीक है। और 15 मार्च को जब ये साइंस का पेपर खत्म हो गया तो कितना टाइम मिल गया था 5 मई तो तक? नीट कंडक्ट हुआ 5 मई पर सर, इस तरीके से गैप हो गया लगभग 50 डेज का। 50 डेज का। तो जी इसका मतलब ये है कि जब भी पेपर खत्म होता है सीबीएसई का तो 40 से 50 दिन का टाइम बिल्कुल मिलता सर, है। और बिल्कुल ये वो पोजीशन जब सब कुछ नॉर्मल था। जी और हम लोग जानते हैं कि 2020 में पेंडेमिक की वजह से ये 13 सितंबर को हुआ था जी और 2021 में हुआ था 12 सितंबर को। यहाँ पर तो बोर्ड के बच्चों के एग्जाम नहीं दिमाग था। में है कि सर क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड डेट डेट। अब अंकित सर, अगर हम लोग मोटा मोटा देखें जी तो आपने बताया कि 30 से 40 दिन का गैप होता है, जी तो आपने ये बताया कि 26 अप्रैल से पेपर है, पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। राइट? जी और 26 अप्रैल से ये पेपर है, जी तो अगर हम लोग 15-20 दिन भी मान लें साइंस के जी पेपर के जी लिए, जी जी तो कम से कम हम लोग चले जाएंगे कहां चले जाएंगे? 15 मई तक। तो जी 15 मई तक तो पेपर होगा नहीं, बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। क्योंकि टेस्ट ही चल रहे और होंगे। इसके बाद हम लोगों ने 2 साल जो एनालिसिस देखा है जी उसमें 40 से 50 दिन का टाइम और मिल बिल्कुल गया सर, है। बिल्कुल तो अगर इसमें हम लोग मोटा मोटा 40 दिन भी जोड़ दें तो क्या डेट हो गई? देखिए जरा, लगभग सर 30 जून पर आ गए सर। 30 जून पे आ गए, जी तो अब तो ये मतलब बिल्कुल जून खत्म हो गया। हाँ पक्की बात है। जी तो अब जबकि कोरोना पेंडेमिक थोड़ा कम भी हो रहा है, बिल्कुल हालांकि सर, हम लोग डरे अभी भी हैं, जी तो सरकार भी प्रिकॉशन ले रही है, बच्चों के डोज भी लग रहे हैं, तो जी हमें लगता है कोरोना पेंडेमिक वाला फैक्टर तो अब नहीं जी रहेगा और हम जी लोग भी चाहेंगे भी भगवान से प्रे करें ना ना हो। रहे। तो 30 जून, जी तो अब बच्चों को ये लग रहा होगा सर फिर डेट आ जानी चाहिए। लेकिन अंकित सर, इसमें और भी प्रॉब्लम है क्या? क्या सर? अभी बहुत सारे बोर्ड है ना, अच्छा जितने भी अच्छा बच्चे अच्छा हिंदुस्तान में, केवल सीबीएसई बोर्ड के तो है नहीं, बिल्कुल ठीक सर, आईसीएसई बोर्ड भी है, जी सर, जी इसके बाद यूपी बोर्ड भी है, जी इसके बाद आपका केरला है, पंजाब है, बहुत सारे तमिलनाडु स्टेट है, बोर्ड पंजाब, सर। बहुत सारे स्टेट हैं। जी तो अभी ये डेट इसलिए नहीं दे रहे हैं केवल जी क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले ग्रीन सिग्नल कहां से मिल जाए, सारे बोर्ड से मिल जाए, जी और उसके बाद देखें कौन सी डेट खाली है। जी तो मोटी मोटी बात इस वीडियो में बच्चों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि सर कि अब मई में तो पेपर होने की कोई संभावना नहीं है, इम्पॉसिबल, जी और थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अभी बोर्ड और भी होने हैं। जी तो 30 जून तक तो बच्चों को बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं ना। नहीं सर। अच्छा, अब 30 जून के बाद कितना टाइम मिलता है ये बोनस है। जी अब आप कहेंगे सर बच्चों को सजेशन क्या देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल तो सर, मेरा सजेशन ये है बच्चों कि मई को बिल्कुल डेडलाइन मान लें, पूरा कोर्स तैयार करें और उसके बाद रिवीजन रिवीजन करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छी धार दें नीट फोड़ने के लिए, जी ठीक। और इस काम के लिए टीम न्यूलाइट उनके साथ हमेशा लगी हुई है। जी सर, एक बच्चे और थोड़े से परेशान है कि सर अब हम छोड़ देंगे, हमारा 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से रुक गया। जी तो उनसे हम लोग यही कहना चाहेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, भागना नहीं है अंकित सर, भागना नहीं है, क्या करना है, लड़ना है। लड़ना है। और कब तक लड़ना है? जब तक मंजिल न मिल जाए। जी सर, एक बात और कहेंगे बच्चों कि जब आप बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, दूसरे की सिंपैथी लेना बंद कर दो, तो तुम्हें अपनी कोई ना कोई बेसिक कमी मिलेगी। उस बेसिक कमी को दूर करो। और एक और फैक्टर है, मैंने एक वीडियो डाला था,
क्या डाला था कि गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट कॉलेज की भी 50% सीट गवर्नमेंट की फीस पे होनी है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो अंकित सर बच्चों की तो बल्ले बल्ले है, जी सर, बल्ले बल्ले क्या अपना कहना चाहोगे जो तैयारी छोड़ने के लिए अब नहीं देंगे, अब हमसे सर नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत फूट गई, क्या कहना चाहेंगे उनके आप? लिए तो सर सुनहरा मौका है, और यही कहना चाहेंगे भागना नहीं लड़ना है, लड़कर जंग जीतनी है। लड़कर जंग जीतनी है। जी सर, और आपने इस साल भी देखा बहुत सारे बच्चे थे जिनके 2-3 नंबर से रुके थे, उनको KGMC तक मिल रहा है, जी सर, बिल्कुल रोज हम सर, लोग वीडियो डाल रहे हैं। जी तो बच्चों टीम न्यू लाइट बहुत पॉजिटिव स्पिरिट के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए खड़ी है। बस एक काम करो, अगर आप नहीं आ पा रहे हो पढ़ने यहाँ पर कानपुर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां हो वहीं से तैयारी करो। यूट्यूब पे अंकित सर हम लोग बहुत जोरदार सेशन लेने वाले जी हैं, सर, और वाली बात हमने आप बताई थी कि पूरा सिलेबस कैसे कराएंगे हम बिल्कुल सर, लोग, बिल्कुल, ठीक है ना? तो बच्चों बिल्कुल परेशान मत हो, होप लूज नहीं करना है, भागना नहीं है, लड़ना है और लड़कर जीतना जीतना है। है। तो बच्चों इसी पॉजिटिव संदेश के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब लें, करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तो करिए, उसको भी और ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे हम लोग का जो रैपिड फायर अभी जोरदार घमासान होना जी है, जी उसके सर, आनंद से आनंदित होइए। जी सर, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर थैंक यू वॉचिंग द सर, वीडियो। अगर और भी कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू अंकित सर।